That we might be trying for this either for to become engineer or doctor or civil servant or CA or very good businessman. Then you're trying for a CLAT or SLAT or all that actually. And for CA examination. Once you may see that one your friend passed by 93% of marks. And second time, you got 98 and you couldn't succeed. So, you did not pass and fail. It is just that in that time, what you secured. So, commission will be very high, very, very high. So, you must try hard for all that. But please think, ye zindagi ki pariksha nahi hai. Ye zindagi ki pariksha nahi hai. Ye pariksha, aapne jo sikha hai, uski hai. वो सीखी हुई परीक्षा के अनुसार आगे बढ़े. जीवन बहुत बड़ा है, आगे बहुत सारी बातें आपको करनी है और उसमें पास हो भी जाएं, पास हो भी जाएं और कुछ बन भी जाएं, बनने के बाद भी इस बात को तो याद रखें, व्हाट इज पर्पस ऑफ माय लाइफ. मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? आपके जीवन का उद्देश्य यह जो सिखाया गया है यह होना चाहिए. जीवन का उद्देश्य स्वाध्यायाम महाप्रमद, स्वाध्यायाम महाप्रमद इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज सत्यम वद धर्मम चर. सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायाम महाप्रमद. स्वाध्याय नॉट ओनली स्वाध्याय ऑफ क्लास 12 ऑफ क्लास और ग्रेजुएशन और दिस एनी एमबीबीएस और ऑल दैट, वो केवल स्वाध्याय नहीं है. जिंदगी को समझना, जिंदगी को सीखना, जिंदगी को समझना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना. आज दुनिया में आईक्यू से ज्यादा महत्व ईक्यू का हो गया है. इमोशनल क्वेश्चन, हाउ यू अंडरस्टैंड द पीपल, इमोशंस को कितना समझ पा रहे हैं, आने वाले लोगों को कितना समझ पा रहे हैं. आपके इंटरव्यूज में ये बातें ज्यादा पूछी जाती है कि आप व्यक्ति को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, मनुष्य को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं. यह बात पूछी जाती है, यह बात समझी जाती है व्यक्ति को देख करके. क्योंकि आने वाले व्यक्ति को जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर उस व्यक्ति के बारे में कानून को समझ लेगा लेकिन उसकी भावना को नहीं समझेगा तो न अच्छा ऑफिसर हो सकता है और न अच्छा व्यक्ति हो सकता है. यह समझने की आवश्यकता होती है. हमें उस तरफ बढ़ने के लिए एक बात करनी होगी, काम करना होगा. हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? एन ऑफिसर, यू बिकेम वेरी गुड ऑफिसर एंड आफ्टर रिटायरमेंट यू थिंक्स दैट आई कुडंट डू दैट. काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, काश मैं ऐसा कर पाता, काश मैं ऐसा कर पाता, देन व्हाट? फिर कुछ नहीं. बहुत बड़े वकील बनने से, बहुत बड़े डॉक्टर बनने से, बहुत बड़े इंजीनियर बनने से बने, वो तो बनना ही है. वो तो बने हुए ही आप जिस क्षेत्र में जाएंगे, विद्याश्रम स्कूल से निकला हुआ विद्यार्थी जहाँ ये सब बातें सिखाई जाती है वो नंबर वन तो होगा ही, ऐसा मेरा विश्वास है. आप जरूर बनेंगे. जहां पर यह बात देखी जाती है कदम में दक्षिणे हस्ते जय में सब आहित, जहां कदम में दक्षिणे हस्ते है, जहां आपका कार्य, जहां आपका पुरुषार्थ राइट हैंड में है, वहां आपका विजय बाएं हाथ में पड़ी है, इंतजार कर रही है आपका. वो तो बनेंगे ही आप, लेकिन वो बनने के बाद भी कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर नहीं हुई तो बने हुए भी इतना काम नहीं आएंगे. हाल ये अस्ताद सुन क्या क्या करिश्मे कर गए, मैट्रिक हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए, तो फिर क्या कर गए? वह नहीं करना है. वहां मत पहुंचिए, पहुंचिए वहां पर जहां पर एक मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए प्रयत्न किया जाता है. वो कैसे बनना है? कुछ ऐसी बातें जो मुझे विश्वास है कि यहां डेवलप की गई होगी, जिस कारण से डेवलप हुई है आप में, उसे जिंदगी में याद रखें. What is the level of your compassion in your life? Level of your compassion in your life. आपके compassion का level क्या है? आप कितने compassionate हैं?
दूसरे के प्रति कितना कॉम्पेशन है आपके मस्तिष्क में, आप दूसरे के दर्द को देख करके, दुख को देख करके कितना दुखी होते हैं, या ये सोचते हैं कोई बात नहीं होता रहता है, मेरी कोई जिम्मेदारी है क्या? स्वामी जी से पूछा गया स्वामी विवेकानंद से कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो उन्होंने भगवान बुद्ध द्वारा कही गई वो बात कही, न स्वम कामे राजम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामे तप्ताना प्रणामार्थिनाशनम। मैं राज नहीं चाहता, मैं दुख सुख नहीं चाहता, मैं जन मन से मुक्ति भी नहीं चाहता, मोक्ष तो स्वार्थ है, मैं चाहता हूं जब जब जन्म लूं, बार बार जन्म लूं, जब तक मानवता की आंख में एक भी आंसू है तब तक मैं बार बार जन्म लूं और आंसू को पोछूं, यह मेरे जीवन का उद्देश्य है। डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो चाहे सीए हो चाहे अफसर हो, उसके जीवन का यह मुख्य उद्देश्य हो और कंपेशन का लेवल हमारा वो हो कि दूसरे को देख करके हमारे मन में दर्द उठे और हम उसके लिए सोचें कि यह खून मुझे ही बह रहा है। हमारे लेवल ऑफ ग्रेटफुलनेस क्या है, हम कितने ग्रेटफुल हैं? When I am grateful to the person who are doing good for me, or I receive, I expect much gratefulness from others, and I do something very less for the others, and the thing that okay, I did this for you, and you never thanked me. Okay, you may thank or may not thank me, but it was my duty that I should do. But be very, very generous to be grateful to others. कितना ज्यादा ग्रेटफुल हैं दूसरे के प्रति, कितने ज्यादा ग्रेटफुल हैं, इस पर डिपेंड करता है कि हम कितना कितना मनुष्य हैं। क्या मैं मनुष्य हूं, अपने अपने बाद में सोचें, हम कितने मनुष्य हैं, किस लेवल के मनुष्य हैं। मैं एक कथा पढ़ रहा था, एक व्यक्ति भरी दोपहरी में गुजर रहा था गलियों से, बहुत गलियों से गुजर रहा था, बहुत 44 डिग्री गर्मी थी, एक बहुत बड़ी हवेली के सामने जाकर के उसने पानी मांगा, उन्होंने कहा कि तेरा पानी पिला दे। बाहर बैठे हुए आराम कुर्सी पर व्यक्ति बोले, भाई नहीं पिला सकता सॉरी, घर में अभी कोई आदमी नहीं है, अभी कैसे पिलाऊं पानी। उसने कहा थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए, थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए। तो क्या बात हुई, कैसा होता है, कितनी बार ऐसा होता है, मैं जानता हूं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो जेन्युइन पर्सन नहीं है वो भी हमारे सामने आ सकते हैं कहीं पर, किंतु हमेशा ऐसा नहीं होता। कुटिया में और महल में अंतर एक विशेष, वहां लिखा है स्वागतम वहां पुरुष निषेध, ऐसा पुरुष निषेध कितनी बार होता है और हम कितने लोगों को समझ पाते हैं। यह समझ डेवलप करने की आवश्यकता है यहां से निकलने पर। फील टू सर्व, फील टू सर्व द पीपल, सत्यम वद धर्मम चर, स्वाध्याय न प्रमुद धर्मम चर, धर्मम चर के लिए यू नीड नॉट टू डू धर्मम चर। आप पढ़ेंगे गीता, पढ़ेंगे रामायण, पढ़ेंगे कुरान, पढ़ेंगे ये, पढ़ेंगे वो, पढ़ेंगे मुझे रामायण पूरी याद है, मुझे गीता पूरी याद है, मैं हाफिज हूं, सो व्हाट, सो व्हाट, ओके ठीक है, करिए, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन एक तोते को पालने वाले ने तोते को पाला था, कश्मीर में सिखाई जाती थी तोते की कथा, पाला था और गुरुजी ने वो तोते को कहा था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, बैठना मत उड़ जाना, बैठना मत उड़ जाना। शिकारी आया, दाना डाला, तोता बैठा, शिकारी पकड़ के ले गया, बोलता रहा शिकारी आएगा, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, दाना डालेगा, बैठना मत उड़ जाना, बैठ गया, उड़ गया। सिखाया था उसको, रटाया था, उसने चला नहीं उसके अनुसार, तो शिकारी आएगा, उसने बताया था बैठना मत उड़ जाना, उड़ा नहीं, याद किया उसको, हमें तोता नहीं उड़ा। आप पढ़ लेंगे पूरा रामायण को, पढ़ लेंगे उसको, लेकिन उसके अनुसार अगर नहीं चलेंगे तो डॉक्टर के दिए हुए नुस्खे की तरह होगा। यू गेट प्रेस्क्रिप्शन फ्रॉम योर डॉक्टर,
that you are suffering from fever, a paracetamol is there, Prozac is also there, and your antibiotic, and you go to your house and have this, get this prescription frame and have the puja of that prescription. What will happen to you? Nothing. Nothing. And furthermore, if you get that and have this on your milk and do this, whether your fever will be treated? No, not at all. What you have listened here, what you have been given to you, please, please practice this. And go through Satya Vada Dharma Uttara Swadhyayam Mahaprabhata. Not only Matradeva Pradhanagura, that's a wonderful thing that you should practice in your life. Sometimes, in this age, some dilemma is also there. कि दुनिया में सब अच्छी अच्छी बातें होती हैं पर बुरे रोग भी बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं. डिलेमा इज देयर, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, आखिर सच्चाई क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसको तय कैसे करें. इतना जल्दी इतना आसान नहीं होता. इट इज नॉट, डिलेमा इज ऑलवेज देयर, बट नीड नॉट टू गो टू डिलेमा. द वन डिलेमा, वन आंसर टू डिलेमा इन आवर त्रिवेणी उपनिषद इज वन थिंग दैट इज व्हाट इज गुड एंड बैड in life. Whenever you have a dilemma that whether this thing is right, my action is right or wrong, go through these words, Atmana Pratikulani Pareshamna Samachari. Whether my behavior is right or wrong, one thing, what you don't want to be done to yourself, don't do to others. Atmana Pratikulani Pareshamna Samachari. You think it should not happen to me, you should not do that to others. Only thing. And this is in our New Testament or our Upanishad or Hadith of Quran. A very good item in the Quran, Hadith actually, this education, this shikshayin of Quran ki shikshayin. Neki achha akhlaq hai. Aur badi wo jo tere jee mein khatke. Jiske liye tu yeh na chahe, isi khabar kahin auron ko lag jaye. जब किसी इंसान को पता हो, जब किसी इंसान को पता हो, स्वामी जी से पूछा स्वामी विवेकानंद से कि अच्छे बुरे को कैसे करें, हमारे मन में डिलेमा रहता है. उन्होंने कहा जब किसी इंसान को पता हो कि वो जो कर रहा है वो कोई नहीं जान पाएगा कि वो क्या कर रहा है, तब वो क्या करता है. चरित्र की पहचान कैसे करें, जब किसी व्यक्ति को पता है कि वह जो कर रहा है वो कोई नहीं जान पाएगा कि वो क्या कर रहा है, तब वो क्या करता है. ये उसके चरित्र की असली पहचान है. दुनिया सारी देखती है तब तो व्यक्ति सब गुडी गुडी लगते हैं, अच्छे अच्छे लगते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, किंतु कोई नहीं जाने, गॉड के फियर से भी नहीं, मुझे तो यही करना है. इट्स बेटर आत्मन प्रतिकूलानी परेशान, आई डू दिस एंड दिस एंड दिस ओनली, दैट्स गुड डिलेमा ऑल. And you'll feel that I think that confident that I am doing good for me and good for the society. एक अच्छा व्यक्ति सोसाइटी का असेट है. एक ऐसा व्यक्ति जो यह सोचता है वो सोसाइटी के लिए असेट है, और वो सब वही आपकी समाज सेवा है. सोशल सर्विस के लिए नहीं कहीं जाकर सोशल सर्विस कर रहे हैं, आपकी अच्छाई भी इस सोशल सर्विस है. And do your best. और इन सब बातों के साथ मैं सोचता हूं एक बात और हमें मन में ध्यान रखनी चाहिए. What for I am? What I am doing for my country? As a good person, as a person and responsible person, what I am doing? राष्ट्र के लिए मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग. वेदर ऑलवेज आई एम कंडेमिंग ऑल दिस सिस्टम विच आई एम हैविंग इन माय कंट्री, और आई अप्रिशिएट द गुड थिंग्स आल्सो, द बेटर थिंग्स. कभी कभी ऐसा होता है, यहां क्या पड़ा है, वहां जाके देखो ऐसा कितना होता है, सिंगापुर में देखो कैसा होता है, वहां देखो ऐसा होता है, गुड थिंग. ओके, आनो भद्रा कृतो यन्तु विशुक्ता. We should have good things from all the way of life, all the states and all that, good way, good noble thoughts. But this way, in this country, ये जो thought है,
ये सांस्कृतिक गुलामी का प्रतीक है। हमेशा ऐसा सोचते रहना कि यहां क्या पड़ा है, जो कुछ है वो तो वहां पड़ा है, अमेरिका में पड़ा है, यह सोचना कि सांस्कृतिक गुलामी का प्रतीक है। और खास तौर से वे लोग जो विद्याश्रम में पढ़े हुए जो छात्र छात्राएं हैं, जहां पर सांस्कृतिक गुलामी को दूर करने का एक प्रयत्न किया जा रहा है, इस अंदाज में, इस सैफरन कलर के साथ, इस लाइटिंग लैंप के साथ जिसको दूर किया जा रहा है, वहां पर तो कम से कम उन्हें सोचना चाहिए कि हमारे देश को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। वे सभी बातें जो हमें ऐसा प्रत्येक काम दुनिया में होने वाला जिससे मुझे नीचा देखना पड़ता है, मेरे देश का बहबूदी में फर्क पड़ता है, हमें दुख होना चाहिए। भले कल की घटना हो चाहे और घटनाएं हो, तो देख करके हमें कुछ कर गुजरने का साहस पैदा होना चाहिए, हमें दुख का अनुभव होना चाहिए। या कोई अगर ऐसा कमेंट करे, होता ही है, ऐसा ही है, राजनेताओं का ऐसा ही है, अफसरों का ऐसा ही है, टीचर्स क्या करते हैं, वो ऐसा करते हैं, ये सब बातें, ये नेगेटिविटीज से दूर हट करके हमें उन बातों की ओर जिसके लिए राष्ट्र का सम्मान बढ़े उस तरफ बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। मुझे विश्वास है, विश्वास ही नहीं बल्कि मैं तो इस बात को पक्का मानता हूं, स्टूडेंट्स ऑफ दिस विद्याश्रम स्कूल वेयर दिस यू आर बीइंग इनकल्केटेड ऑल दीज थॉट्स एंड नोबल थॉट्स एंड वेरी गुड टीचर्स आर आल्सो देयर एंड यू आर गुड स्पोर्ट्समैन, गुड स्टूडेंट्स आर देयर एंड यू आर नॉट ओनली मेमोराइजिंग दिस बट प्रैक्टिसिंग, विल प्रैक्टिस दीज आर आइडियाज ऑफ आवर क्षेत्रीय परिषद शिक्षावली एंड ऑल दैट, देन यू विल बी lighting this lamp high, this flag, hoist this flag of this country high in the world and राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने का आप संदेशवाहक बनेंगे और लॉरल्स अपने परिवार को देंगे, यहां भी देंगे और दुनिया में नाम रोशन करेंगे। एक उद्देश्य मैं पेरेंट्स से जो यहां पर हैं उनसे निवेदन करूंगा कि यहां बालक बालिकाएं जो हैं, एक बात निवेदन के साथ कहूंगा, ओपन फील्ड, प्लीज गिव देम ओपन फील्ड, वेयर दे वांट टू गो प्लीज डोंट रेस्ट्रिक्ट देम, दे हैव देयर आइडियाज, इफ ही और शी डजंट वांट टू बिकम सीए प्लीज डोंट प्रेसराइज देम एज आवर एग्जाम वॉरियर्स और मोदी जी आल्सो रिटन देयर बुक, प्लीज गिव देम, इफ ही वांट टू बी गुड स्पोर्ट्समैन लेट हिम गो टू दैट एज स्पोर्ट्समैन, इफ ही वांट टू गो टू आर्मी लेट हिम गो, दैट्स ओनली वन चाइल्ड और वन डॉटर आई हैव, व्हाई शुड आई हाउ कैन आई, प्लीज गिव देम फ्री हैंड टू गो टू फील्ड ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड मेनी अदर स्टूडेंट्स, some three idiots or the films are also there for students that all the fields are good for students, if the student is right then field is very good, rashtra ko samarpan ke liye ek bhavana ke sath yahan se jaye, maa tumhara ran bahut hai main akinchan kintu phir bhi kar raha itna nivedan, thal mein laau saja kar bhal ko jab kar lena swikar maa mera samarpan, prashna arpit स्वप्न अर्पित रक्त का कंकण समर्पित, चाहता हूं मात्र हो तुझको अभी कुछ और भी दूं, चाहता हूं मात्र हो तुझको अभी कुछ और भी दूं, मां भारती आपका पथ प्रशस्त करे और आप राष्ट्र को परम वैभव की ओर ले जा करके इस विद्याश्रम का नाम और सभी का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। Very truly said, sir. No learning is complete till it is practiced and imbibed. Thank you, sir, for your kind and gentle words. They'll truly be a source of inspiration. Now, I take this opportunity to request Honorable Shri Rajiv Jain, Vice Chairman, Bharatiya Vidya Bhavan, Jaipur Kendra, to share his knowledge and vast experience with us.
respected Professor Misra ji, Shri Kamal ji Kothari, Shri Bhanavar ji, Patra ji, Principal Deepak ji Dua, Mr. Kachawa, Mr. Rathore,